या गुड आफ्टरनून, आई एम आर के वर्मा, आई एम अ कंप्यूटर टीचर. टुडे आई विल एक्सप्लेन अबाउट पाइथन एंड लास्ट टाइम आई वाज आल्सो एक्सप्लेन्ड सम टर्म्स लाइक व्हाट इज पाइथन, व्हाट इज टोकन, एंड टोकन में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ के आई एल ओ पी. इट मीन्स K stands for keyword, I stands for identifier, L stands for literal, O stands for operator, and P stands for punctuate. इन सबकी वीडियो में फर्स्ट वीडियो में दे चुका हूँ. अब हम उसके आगे की चीज आपको बताने वाले हैं. तो देखिए, यहाँ तक मैंने आपको बताया था कि पंक्चुएटर क्या होता है और कैसे प्रोग्राम को ओपन करेंगे. प्रोग्राम को ओपन करने के बाद पाइथन का डेटा टाइप बताया था, ठीक है, और इसके बाद मल्टी लाइन कमांड तक मैं बता चुका हूँ. और आज जो हम आपको बताएंगे वो बताएंगे कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में. इसके बारे में, कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में. अब देखिए, कंडीशनल स्टेटमेंट होता क्या है कि जब हम प्रोग्राम को रन कराएंगे तो प्रोग्राम में हमारे पास कंडीशन हो उसके अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट दे. अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट इन पाइथन प्लेटफॉर्म डिफरेंट कंप्यूटेशन या एक्शन डिपेंड्स ऑन वेदर अ स्पेसिफिक बूलियन कंस्टेंट इवेलुएट टू ट्रू और फॉल्स. कंडीशनल स्टेटमेंट आर हैंडल्ड बाय इफ स्टेटमेंट इन पाइथन. कंडीशनल स्टेटमेंट को हम इफ स्टेटमेंट के थ्रू इसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक. अब देखो, इफ के साथ होता क्या क्या है. पहला चीज कि व्हाट इज इफ स्टेटमेंट. इफ स्टेटमेंट का मतलब होता है कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तभी आउटपुट मिलेगा और नहीं तो नहीं मिलेगा. तो इसको कहते हैं इफ स्टेटमेंट. तो इसमें हमने साफ साफ लिखा हुआ है कि पाइथन इफ स्टेटमेंट इज यूज फॉर डिसीजन मेकिंग ऑपरेशन. इट कंटेन अ बॉडी ऑफ कोड विच रन ओनली व्हेन द कंडीशन गिव इन द इफ स्टेटमेंट is true. If the condition is false, then no output will display. ठीक, ऐसा हम लोग इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है. अच्छा, अभी थ्योरी तो नहीं समझ में आ रही होगी, लेकिन चलिए हम इसको एक प्रोग्राम के थ्रू समझाते हैं. तो सबसे पहले हम पाइथन को ओपन करते हैं. PYTHON. तो देखिए, यहाँ पर आईडीएलई इंटीग्रेटेड ड्राइव सेलेक्ट एलई एनवायरनमेंट. अब देखिए, हमारे सामने ये चीज आ गई, ठीक. अब फाइल में जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव मोड में पहुंचेंगे और यहाँ पे हम इसकी प्रोग्रामिंग को राइट डाउन करेंगे, ठीक. अभी देखिए, यहाँ पर मैंने नोट्स में आपको दिखाया हुआ है कि एक्स कामा वाई इक्वल टू 8,4. और फिर यहाँ पर हमने एक स्टेटमेंट लिखा, उस स्टेटमेंट को मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया. अब देखिए, x कमा y इक्वल टू 8,4. इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू 8 है, y का वैल्यू 4 है. ये है मल्टी वेरिएबल इन अ सिंगल लाइन डिक्लेरेशन. कई वेरिएबल को एक लाइन में अगर आपको डिक्लेयर करना है तो आप इस तरह से डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है. नहीं तो हम ऐसे भी लिख सकते थे, x इक्वल टू 4 इंटर y इक्वल टू 8. खैर, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि पहला वेरिएबल का नाम पहली वैल्यू और दूसरे वेरिएबल का नाम दूसरी वैल्यू. बोथ वेरिएबल आर सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ कॉमा. सिमिलरली हियर इज टू वैल्यू 8,4, 8 and 4 separated with a comma. Now, if x is less than y, semicolon.
सॉरी कॉलन, दिस इज द सिंटैक्स, इसे क्या बोलते हैं, सिंटैक्स बोलते हैं। अब इस सिंटैक्स में क्या लिखा है हमने कि अगर x की वैल्यू y से छोटी होती है तो हमारे सामने मैसेज प्रिंट कर रहे हैं कि x इज लेस देन y। अब आप बताइए क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। देखिए x की वैल्यू क्या है 8, y की वैल्यू क्या है 4, क्या 8 4 से छोटा है? नहीं, नहीं ना, तो कंडीशन हो गई फॉल्स। तो जब ये कंडीशन हमारी ट्रू नहीं हुई तो इसका लिखा हुआ स्टेटमेंट डिस्प्ले नहीं करेगा। बात आई समझ में? बोलिए बच्चों, समझ में आई ना? तो अब इसको हम रन करा के देखते हैं, फाइल में गए और रन मॉड्यूल पे क्लिक किया, ओके किया, नाम मांगेगा, हमने ए लेकर के सेव कर दिया और यस कर दिया। देखिए आउटपुट में कुछ डिस्प्ले किया नहीं किया, क्यों? क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई थी। अब इसी स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, क्या करते हैं कि जहां 4 लिखा है उसको 21 कर देते हैं। अब आप बताओ x इज लेस देन y कंडीशन इज ट्रू? जब कंडीशन हमारी ट्रू हो गई देन अगेन इसको आप रन करो, x इज लेस देन y, देखिए मैसेज आ गया। तो इफ स्टेटमेंट किस प्रकार से काम किया ये सबको समझ में आया? नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए, x और y यहाँ पर हमने दो वैल्यू ली, x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 41, और यहाँ पे एक स्टेटमेंट लगाया इफ स्टेटमेंट, और इफ में लगाया कि x इज लेस देन y। तो अगर स्टेटमेंट ट्रू होता है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, अगर स्टेटमेंट फॉल्स होता है तो उसके लिए हमने कोई स्टेटमेंट नहीं लिखा हुआ है, इसलिए कोई भी आउटपुट हमको नहीं डिस्प्ले करेगा। ओके, अब हम चलते हैं थोड़े से अपने नोट्स की ओर। तो ये रहा आपका इफ स्टेटमेंट। नाउ व्हाट इज पाइथन इफ एंड एल्स स्टेटमेंट। अब देखिए पहले हमने क्या पढ़ा, केवल इफ स्टेटमेंट पढ़ा, लेकिन अब यहाँ पर क्या है, इफ एंड एल्स स्टेटमेंट। क्या चीज है, इफ एंड एल्स स्टेटमेंट, यहाँ पर क्या है केवल इफ स्टेटमेंट। ये इफ और यहाँ इफ एंड एल्स, यहाँ दो डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। यहाँ पर क्या है कि अगर स्टेटमेंट सही होगा तभी आउटपुट मिलेगा, लेकिन यहाँ इफ और एल्स में क्या हुआ था कि अगर स्टेटमेंट सही है तो भी आउटपुट मिलेगा, अगर स्टेटमेंट गलत है तो भी आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों तरह से हमको आउटपुट मिलते हैं। उसके लिए हमें करना क्या होगा कि यहाँ पर आप आइए, देखिए x कमा y 8 कमा 41, इफ x इज लेस देन y तो स्टेटमेंट ट्रू हो गया, तो ये मिल गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे एंटर मारिए और एंटर मारने के बाद थोड़ा सा एक स्पेस बैक जाइए और बैक जाके यहाँ पर लिखिए else colon enter और लिखिए printf x is greater than y। अब दोनों स्टेटमेंट में आउटपुट मिलेगा। अब आप यहाँ पर देखो, ये मैंने क्या कर दिया, इसको इरेज किया। अब देखो x हमारा बड़ा है, y छोटा है, और यहाँ पर क्या है, x छोटा हो तब ये स्टेटमेंट आए, अगर ये नहीं है तो ये होगा x is greater than y। अब इसको रन करा के देखते हैं, देखिए x is greater than y नीचे का आ गया आंसर, स्टेटमेंट टू प्रिंट किया ना, तो ये क्या हो गया कि इफ स्टेटमेंट इज ट्रू देन प्रिंट स्टेटमेंट वन, एल्स स्टेटमेंट इज फॉल्स देन प्रिंट एल्स पार्ट प्रिंट x is greater than y। इसको आप लोग अच्छे समझ गए हो, अगर फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो मैं शाम को जब क्लास लूंगा तो उसमें आप लोग पूछ लीजिएगा और इसको हम करके दिखाएंगे। सपोज दैट यहाँ जैसे मैंने x और y की वैल्यू यहाँ पर इनपुट कराई है, तो इसको हम यूजर के थ्रू अगर इनपुट करना चाहते हैं तो कैसे कराएंगे,
देखिए यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू int ब्रैकेट में लिखेंगे इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर एंटर और इसी तरह y की वैल्यू को लिख लेंगे y इक्वल टू int इनपुट एंटर सेकंड नंबर ये कर दिया। अच्छा यहाँ पर हमने int क्यों लिखा, क्योंकि हमारी जो वैल्यू है वो इंटीजर टाइप की है और इनपुट एक स्टेटमेंट होता है जिससे हम यूजर के थ्रू नंबर को ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्या है, x है और सेकंड नंबर को हम y मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो या इंटर फर्स्ट नंबर ब्रैकेट में x लिख लो यहाँ पे y लिख लो। नाउ प्रिंट करते हैं, चलो देखो एंटर द फर्स्ट नंबर x 34 एंटर द सेकंड नंबर y 2। अब देखो x इज ग्रेटर देन y, आ गया ना आंसर है ना इसी। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नोट्स की ओर। ये सिंटेक्स है ना, एक कंडीशन लगाई, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो स्टेटमेंट वन एग्जीक्यूट करेगा और अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। एग्जांपल के लिए मैंने अभी आपको दिखाई दिया है। ठीक है, अब देखिए हाउ टू यूज एल इफ कंडीशन, हाउ टू यूज एल इफ कंडीशन या एल इफ स्टेटमेंट। ठीक है, अब देखो एल इफ इसका यूज तो कब करते हैं, इसका यूज हम लोग तब करते हैं जब हमारे पास नंबर ऑफ कंडीशन होती है। क्या होती है, नंबर ऑफ कंडीशन होती है। ठीक, अभी वहां क्या थी, पहले हमारे पास तो एक कंडीशन थी, उसके बाद दो कंडीशन हुई, लेकिन नंबर ऑफ कंडीशन मतलब कि दो से जब ज्यादा कंडीशन होती है तब हम लोग एल इफ का यूज करते हैं। जैसे यहाँ एक्स वाई ये दो वैल्यू मैंने दे दी, हमने कहा कि इफ इसे मैंने यहां से कॉपी किया और यहां पे लाकर के इसको मैंने पेस्ट कर दिया। देखिए x कमा y 18,9 हाँ, इफ x इज लेस देन y। अब देखिए यहां पर तीन बात हो सकती है, x इज लेस देन y तो str की वैल्यू क्या कर दो, x इज लेस देन y, एल इफ x इक्वल टू y तो बोथ आर सेम। ठीक, और इसका भी एक स्टेटमेंट और रह गया है else x is bigger than y। ठीक, print str। अब हमें कंडीशन ये करनी है कि ये जो x और y की वैल्यू दी हुई है इसमें से हमें ये निकालना है कि str में क्या लिख के आएगा। अब str यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है। पहले वाले में क्या लिखा कि अगर x is less than y तो x is less than y, हम लिख मैसेज आ जाए। अगर दोनों बराबर हैं तो कहते कि बोथ आर सेम, अगर छोटा नहीं है बराबर नहीं है तो लाजमी है कि वो बड़ा ही होगा, तो x is bigger than y, ये ऐसा लिख दिया जाए। तो देखो यहाँ पर मैंने एल इफ का यूज कर लिया, यहाँ पर इफ यूज किया, यहाँ एल इफ यूज किया, यहाँ एल्स यूज किया, और एल इफ की तरह हम और भी लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, और लास्ट में हमने क्या करते हैं प्रिंट एस टी आर लिख दिया। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि मैंने एफ के बाद ये देखो थोड़ा सा टैब, फिर एल एफ के बाद थोड़ा सा टैब, इसमें ऐसा दिख रहा है। ठीक, ये टैब का बहुत बड़ा रोल है, अगर ये थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हो जाएगा तो आपकी प्रोग्रामिंग रन नहीं करेगी सही होने के बावजूद, इसलिए इसको बहुत अच्छे से लगाइएगा। अब इसको हम रन करा के दिखाते हैं आपको, ये देखिए एक्स इज बिगर देन वाई, जो x की वैल्यू है वो y से बड़ी है, ये प्रूफ हो गया। तो ये किससे हमने किया,
एल एफ एफ एल एफ से हमने इसको प्रूव कर दिया। ठीक, अब हाउ टू एग्जीक्यूट ए कंडीशनल स्टेटमेंट विद मिनिमल कोड। देखिए, अगर आपको एल्स इफ का कोड एक लाइन में लिखना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसी के लिए मैंने ये चीज सिंटैक्स बनाई हुई है। ठीक है, करना क्या होगा कि देखिए, इन दिस स्टेप वी विल सी हाउ वी कैन कंटेंट आउट द कंडीशनल स्टेटमेंट इंस्टेड ऑफ एग्जीक्यूटिंग कोड ऑफ फॉर ईच कंडीशन सेपरेटली। जैसे ए इफ बी एल सी, ऐसे इसका स्टेटमेंट होता है, लिखने का तरीका सिंटेक्स होता है। सपोज दैट एक्स कामा वाई 18, 9 एस टी आर इक्वल टू एक्स इज ग्रेटर देन वाई इफ एक्स इज लेस देन वाई, एक्स इज लेस देन वाई इफ एक्स इज लेस देन वाई, एल्स एक्स इज बिगर देन वाई। ठीक, इतना लेकर के यहाँ पर प्रिंट एस टी आर कर देंगे तो हमारे सामने ये चीज आ जाएगी। ठीक, इसको हमने क्या किया, यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर लिया प्रोग्राम में और उठा के पेस्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने यहाँ पर एक्स और वाई को मैंने डिफाइन किया और डिफाइन करने के बाद मैंने क्या किया कि यहाँ पर एस टी आर एक्स इज लेस देन वाई इफ एक्स इज लेस देन वाई एल्स एक्स इज बिगर देन वाई, प्रिंट एस टी आर। एक ही लाइन में हमने एल्स का भी यूज कर लिया और एफ का भी यूज कर लिया। ठीक, और इसको रन कराने के लिए आप देख सकते हो, रन बोर्ड पे दो, ओके कर दो, ये देखो एक्स इज बिगर देन वाई। आगे तो ये रहा एक लाइन में इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज। ठीक है, चलिए इसी में मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे मैंने कहा कि आपको 1% की एज इनपुट करानी है और उस पर ये डिस्प्ले कराना है कि ये पर्सन वोट देने के एलिजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो उसको आप कैसे करोगे वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक हैज लिखेंगे। हैज का यूज क्यों हम लोग करते हैं, कमेंट के लिए। अब यहाँ पर हम क्या लिखने जा रहे हैं कि डब्ल्यू ए पी का फुल फॉर्म आप लोगों को पहले से मालूम है, राइट अ प्रोग्राम। क्या प्रोग्राम है कि इनपुट एज ऑफ अ पर्सन एंड फाइंड ही इज एलिजिबल वोट और नॉट। हमें करना क्या है कि एक पर्सन है, उस पर्सन को एज हमें यूजर के थ्रू इनपुट करानी है और इनपुट कराने के ये बाद ये पता करना है कि वो व्यक्ति वोट देने योग्य है या नहीं। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें एज चाहिए तो एज इक्वल टू इंटीजर इनपुट इंटर एज ऑफ अ पर्सन ये कर दिया। चलो भैया एज तो हमारे पास आ गई और यहीं पे हम लगा देते हैं कंडीशन कि एफ एज ग्रेटर देन 17 कॉलन प्रिंट एलिजिबल फॉर वोट, ये मैसेज हमने प्रिंट कर दिया। लेकिन अगर यहीं पर कंडीशन फॉल्स हो गई तो उसके लिए भी तो कोई स्टेटमेंट होना चाहिए। तो जैसे ही मैंने एंटर मारा तो ये पी के ठीक सामने आ गया, तो वहां फिर एक बैक स्पेस दबाइए और लिखिए एल्स और लिखिए प्रिंट नॉट एलिजिबल।
गुड, कोई प्रॉब्लम? इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है? F5 दबा देना है और ओके कर देना है। इंटर द एज ऑफ पर्सन, हमने दे दिया 19, इंटर किया। एलिजिबल फॉर वोट मैसेज आ गया। अगर हम दोबारा से F5 दबाते, फिर हमारे सामने मैसेज आया, इंटर एज ऑफ द पर्सन, मैंने दे दिया 12 साल, मैसेज आ गया नॉट एलिजिबल फॉर वोट। देखिए यहाँ पर दोनों कंडीशन में आउटपुट आया, जब मैंने एज 19 ईयर डाली थी और जब मैंने एज 12 साल डाली थी। प्रोग्राम पूरी तरह समझ में आ गया? नहीं समझ में आया हो तो मैं फिर से बता देता हूँ कि ये आपका जो पहले लाइन पे हैश का सिंबल है, ये हैश सिंबल किस चीज के लिए है? ये हमारा है कमेंट के लिए, सिंगल लाइन कमेंट के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें कंडीशन चेक करनी है, तो उसके पहले में क्या यूज करना पड़ेगा? एक वेरिएबल चाहिए जिस पर हम वैल्यू को स्टोर कर सके। तो मैंने एज नाम का एक वेरिएबल लिया और उसमें डेटा टाइप कैसा, INT टाइप का इनपुट करा लिया और एक मैसेज लिखा कि हमारे सामने ये मैसेज डिस्प्ले करें। और डिस्प्ले करने के बाद ये दो ब्रैकेट हमने इसलिए बंद किए हैं क्योंकि एक ब्रैकेट मैंने यहाँ इंटीजर के लिए खोला है और दूसरा इनपुट स्टेटमेंट के लिए खोला है। तो जो दो ब्रैकेट ओपन किए थे वो दो ब्रैकेट हमने यहाँ पे बंद कर दिए। फिर उसके बाद यहाँ पे कंडीशन लगा दी एज कि अगर एज इज ग्रेटर देन 18, अगर ग्रेटर देन 18 है इसका मतलब वो 18 साल का होगा, ठीक है? तो प्रिंट क्या करते हैं, एलिजिबल फॉर वोट, एल्स नॉट एलिजिबल फॉर वोट। आई होप कितनी चीज समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम चलते थोड़ा नोट्स पे। नेस्टेड इफ, नेस्टेड इफ, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट डू यू मीन बाय नेस्टेड इफ। आपको नेस्टेड इफ का मतलब क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है। नेस्टेड इफ का मतलब होता है इफ के अंदर एक दूसरा इफ इज नोन एज नेस्टेड इफ, ठीक है? इफ के अंदर एक दूसरा इफ क्या कहलाता है, नेस्टेड इफ कहलाता है। चलो इसका हम सिंटैक्स देखते हैं। देखिए यहां पर क्या है, इफ कंडीशन वन, पहली कंडीशन को चेक करते हुए अंदर चलो, फिर दूसरी कंडीशन को चेक करो। अब दूसरी कंडीशन को चेक करने पर दो बात होगी, या तो कंडीशन ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो स्टेटमेंट वन एग्जीक्यूट करना, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट करना। और ये हमारा केवल और केवल यहाँ से लेके यहाँ तक का रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी, ठीक? अगर इस इफ कंडीशन वन स्टेटमेंट फॉल्स हो गया तो आप अंदर अब कुछ भी मत करो, सीधे बाहर आ जाओ। यहाँ पर आने के बाद अब आप स्टेटमेंट थ्री को चेक करो, और स्टेटमेंट थ्री को चेक करने पर अगर कंडीशन ट्रू होती है तो स्टेटमेंट थ्री को करना, नहीं तो स्टेटमेंट फोर को करना, और फिर रेस्ट आता फोर हो जाएगा, ठीक? नहीं समझ में आता? चलो यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं। इफ कंडीशन वन ट्रू होती है तो चेक करेंगे कंडीशन ट्रू सेकेंड भी ट्रू हो रही है कि नहीं। अगर ट्रू होती है तो स्टेटमेंट वन एग्जीक्यूट करेगा। अगर स्टेटमेंट वन, अगर कंडीशन सेकेंड स्टेटमेंट, अगर कंडीशन टू ट्रू नहीं हो रही है तो इसको एग्जीक्यूट करेगा। फिर अगर पहली कंडीशन ही फॉल्स हो गई तो अंदर उसने घुसने की जरूरत ही नहीं है, वो सीधे एल्स में आएगा, फिर चेक करेगा कंडीशन थ्री ट्रू है या नहीं। फिर अगर थ्री ट्रू नहीं है तो एल्स में स्टेटमेंट फोर को दे दो और बाहर निकलो, ठीक? अच्छा ये चीज अभी नहीं समझ में आ रही होगी, चलो हम यहाँ पर करके देखते हैं। राइट ए प्रोग्राम इनपुट थ्री नंबर, थ्री नंबर बाय यूजर
and find biggest. ठीक है, अब ये क्या किया हमने, एंटर, एक्स, इसका नाम क्या कर दिया, एक्स लिख दिया। ठीक है, इसकी हमने कॉपी कर ली, कंट्रोल वाई, कंट्रोल वाई, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ठीक है, और इसका नाम रख दिया वाई, इसका नाम रख दिया जेड, और यहाँ पे रख दिया वाई, और यहाँ पे रख दिया जेड। ठीक है, अब देखिए इतनी बात समझ में आ रही है आप सबको। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि इन तीन वैल्यू जो हम देंगे उसमें कौन सबसे बड़ा है वो हमें आउटपुट मिलना चाहिए, वो भी नेक्स्टेड इफ के थ्रू। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इफ एच इज ग्रेटर देन वाई, पहली कंडीशन लगी हमारी कि अगर x की वैल्यू y से बड़ी होती है तो जरूरी नहीं कि z से बड़ी हो, क्योंकि हमारे पास तो तीन वैल्यू है, तो हम x को तभी बड़ा कहेंगे जब हमारा x y से भी बड़ा होगा और z से भी बड़ा होगा। तो इंटर मारिए और फिर लिखिए if x is greater than z। अब तो देखो दो कंडीशन लग गई ना, कि अगर x से बड़ा है, x is greater than y, तो अभी एक शंका पैदा हो रही है कि क्या x z से भी बड़ा है। जब x y से भी बड़ा है और z से भी बड़ा है तो हम डैम श्योर हो गए कि हमारी बिगेस्ट वैल्यू क्या है, यहाँ पर प्रिंट कर दो, x is biggest, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन अब यहां पर प्रॉब्लम आती है कि यहां पर क्या है, x और z की बात आ रही है, तो अगर x इज ग्रेटर देन z है तभी ये मैसेज आएगा ना, लेकिन अभी कंडीशन ये भी तो बन रही है कि हो सकता है z बड़ा हो, तो उसके लिए आप लिखो else print z is biggest, any problem? अब देखिए एंटर करिए, एक टैब वापस किया तो हम इस में, फिर एक टैब वापस करिए तो आप इफ में आ जाओगे। ठीक है, अब यहां पर बात हुई कि ये इफ x is greater than y, लेकिन अगर यहीं पे कंडीशन फॉल्स हो गई, अगर x is greater than y नहीं हुआ तो क्या होगा, तो स्टेटमेंट ये वाला गड़बड़ हो गया। जब ये गड़बड़ हो जाएगा तो इतने स्टेटमेंट को टच ना करे, इतने स्टेटमेंट को टच ना करे, सीधे आ जाओ एल्स में, क्या करो, इफ x is greater than y नहीं है तो y is greater than z होगा, अगर x y से बड़ा नहीं है इसका मतलब या तो y बड़ा होगा या तो z बड़ा होगा। तो मैंने क्या कहा कि अगर y is greater than z तो यहां पर मैसेज प्रिंट करो y is bigger else, अगर y बड़ा नहीं है तो z तो बड़ा होगा। ये रहा आपका if के अंदर if, दो if लगा करके हम तीन में से इसका आउटपुट निकालेंगे। अब इसको रन करा देखते हैं,
देखिए x की वैल्यू 34, पहली बार क्या करते हैं ना, x को हम बड़ा करके देखते हैं, 23 और 9, x इज बिगेस्ट। देखो आगे आंसर, चलो हम फिर से रन करा के देखते हैं। एक्स की वैल्यू हम दे देते हैं 12, बी की वैल्यू 34 और सी की वैल्यू दे देते हैं 5, वाई इज बिगेस्ट। अब तीसरी कंडीशन चेक करते हैं, एक्स की वैल्यू 12, वाई की वैल्यू 3 और जेड की वैल्यू 45, जेड इज बिगेस्ट। इट मीन्स नेक्स्ट स्टेप लगा करके हम लोग इस तरह की प्रोग्रामिंग को इजीएस्ट वे में सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं इतना ही बताता हूँ, क्योंकि अब आगे देखते हैं नोट्स में क्या है हमारे। स्विच केस स्टेटमेंट इन पैथन, स्विच स्टेटमेंट हमारा इसमें वर्क नहीं करता है, उसकी जगह हमारा डायरेक्टरी काम करती है, जो हम उसको आपको आगे बताएंगे। ठीक है, और फिर उसके आता है पैथन में फॉर वाइल लूप, फॉर लूप वाइल लूप, ठीक है, जिसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, इतनी चीजें पहले आप लोग अच्छे से देखो समझो, अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो जब मैं क्लास लूंगा तो उसमें आप लोग हमसे पूछ सकते हो, और ये चैनल पे मैं इसको अपलोड कर दे रहा हूँ, और आप लोग इसको सब्सक्राइब करिए ताकि मैं कोई भी नई वीडियो बनाता हूँ तो वो आपके पास सबसे पहले आ जाए, ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। ठीक है, ओके, ठीक है, अब हम रखते हैं, बाय बाय, गुड बाय एवरीबॉडी, बेस्ट ऑफ लक। बाय बाय।